प्रदेश की सड़कों पर बेसहारा पशुओं की लगातार बढ़ रही संख्या को लेकर सरकार भी चिंतित है। इसका एक बड़ा उदाहरण पशुओं में दूध की कमी होना है, जिसके लिए खराब फीड भी कारण मानी जा रही है। सरकार जल्द ही एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसमें खराब फीड उपलब्ध करवाने वालों पर नजर रखी जाएगी और उनके लिए सजा का प्रावधान भी किया जाएगा। ये बात प्रदेश के पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पालमपुर वेटनरी कॉलेज में विश्वविद्यालय वेटनरी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कही। कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार बेसहारा पशुओं के साथ बंदरों की बढ़ती समस्या के समाधान को भी लेकर गंभीर है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में पशुओं के जल्द इलाज के लिए एनिमल्स एम्बुलेंस सुविधा शुरू की जा रही है। उपमंडल स्तर पर ऐसी एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाएगी जो जरूरत पड़ने पर पशुओं को तत्काल इलाज उपलब्ध करवाएगी, वहीं उनको नजदीकी अस्पताल तक भी पहुंचाया जाएगा। कंवर ने वेटनरी कॉलेज में दी जा रही सुविधाओं पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि सरकार जहां हर जरूरत पूरा करने को तैयार है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार सरयाल सहित अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जैसे मैंने कहा कि हम वेटनरी एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू करेंगे जिसमें डॉक्टर भी होगा, फार्मासिस्ट भी होगा। जहां से ऐसी कोई कॉल आएगी कि उसका पशु बीमार है तो वहां पर स्थान पर जाकर के ही हम उसका उपचार भी करेंगे, इलाज करेंगे। अगर आवश्यकता हुई कि उसका बड़ा ऑपरेशन होना है तो हम उसको उठा करके जो है वो पॉलीक्लिनिक तक जो है वो लाएंगे। जिस ऐसी सुविधा जो है वो हम आने वाले समय में इसकी जो है एक हमारा अपना सब डिवीजन होता है, ये सब डिवीजन लेवल तक जो है वो हम इसी सुविधा को देने का विचार कर रहे हैं। इसका टोल फ्री नंबर इशू होगा? टोल फ्री नंबर इशू सर। सरकार के गठन के बाद एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था जो बेसहारा पशुओं को लेकर एक कार्य योजना बनाने जा रही है। क्या प्रारूप सामने आया और किस तरह से उस योजना का क्रियान्वित किया? उसका कुछ मीटिंग्स हमने की हैं। कमेटी अब थोड़ा टूर पर भी निकलेगी। पिछले दिनों हमने कांगड़ा जिला का प्रोग्राम तय किया था लेकिन दुर्भाग्यवश एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट टूर पर में हुआ जिसके कारण हमको वो कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। हमने प्रारूप उसका तैयार किया है कि ऐसे हम गौ अरण्य स्थान बड़े बड़े स्थान तय करेंगे, उसको हम पूरी तरह से एक चारागाह के रूप में विकसित करेंगे। वहां पर चारों तरफ उसकी फेंसिंग करेंगे और वहां पर शेड भी बनाए जाएंगे, पीने के पानी की वहां व्यवस्था करेंगे और उसका जो वहां का जो उनका जो गोबर होगा और गौमूत्र होगा उससे हम जैविक खाद मैं जो है वो उसको प्रयोग करेंगे। ऐसे बड़ी बड़ी हम ऐसे गौ अरण्य केंद्र बनाने का जो है वो हमारे जो है वो हम सरकार जो है वो विचार कर रही है और इसके लिए हमने गौ सेवा आयोग जो है वो बनाया है और गौ सेवा आयोग के लिए वो बजट का भी प्रावधान किया है कि हम 15% हम मंदिरों से लेंगे और 1 रुपया सेस लगा करके एक्साइज से जो है वो हम उस पैसे का जो है प्रावधान करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम एक तरफ ही ये कार्य नहीं करेंगे, दूसरी तरफ जो हमारी कार्य योजना है कि हम हिमाचल प्रदेश के अंदर अच्छी नस्ल के जो भारतीय मूल के जो गौ वंश है उसका संवर्धन भी करेंगे ताकि हम किसानों को जो है बढ़िया नस्ल जो है वो हम उपलब्ध करवा सकें ताकि वो किसानों को ज्यादा उपयोगी जो है वो सिद्ध हो सके। और जहां हाल ही में नूरपुर में गौ से 10 से 15 गाय मर गई, इसके बारे में आपको जानकारी बहुत क्या स्तर की बात है? मैंने इसके लिए हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब मैंने उनको कहा है कि वो मौके पर जाकर के जो बासु में जो रिपोर्ट है वो हमें दें। और दूसरा जैसे हमने कहा कि हम उसकी बिल्कुल उचित व्यवस्था करेंगे और जिसको जो है जो वहां की जो जिस एनजीओ से हम वो कार्य करवाएंगे उसको जिम्मेवारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो तय करेंगे। जो हम काम करेंगे वो पूरी तरह से जो है वो समाज और प्रदेश के हित का काम करेंगे, ये हमने तय किया।